कोई बिजनेस काफी लोग करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ काफी सक्सेसफुल रहते हैं और कुछ लोग इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। एक ही तरीके का बिजनेस काफी लोग करते हैं, लेकिन सफलता का पैमाना अलग-अलग क्यों? कोई ज्यादा सफल है, कोई उतना सफल नहीं है, जबकि दोनों का बिजनेस एक है, बिजनेस मॉड्यूल एक है, लेकिन फिर भी सफलता का पैमाना अलग-अलग क्यों है? यहाँ पर जो ज्यादा सफल होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में एडिशनल एफर्ट लगाते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसा तो करते हैं जो दूसरों से अलग हो। जो दूसरों से अलग हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड लगाते रहते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम भी कोई इस तरीके का बिजनेस करते हैं जो काफी सारे लोग करते हैं, उसमें हम किस तरीके से सक्सेसफुल दूसरों से ज्यादा होकर उस बिजनेस को कर सकें? तो यहाँ एक उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ किस तरीके से हम एडिशनल एफर्ट लगा सकते हैं, काफी कुछ सोच सकते हैं हमारे बिजनेस के बारे में। सपोज मेरी एक शॉप है जिसमें डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट और इससे रिलेटेड मटेरियल मैं रखता हूँ। इससे रिलेटेड मटेरियल मैं रखता हूँ, इस तरीके की शॉप काफी सारी होंगी जिस भी शहर में हम रहते हैं। अब उन काफी सारी शॉप्स के बीच में मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कर सकता हूँ? यहाँ पर मैंने एक प्लान क्रिएट करा डोर टू डोर सेलिंग का, कि मेरे प्रोडक्ट की किसी भी तरीके से डोर टू डोर सेलिंग हो सके, और उस सेलिंग के लिए मुझे ना ही कोई एडिशनल पे करना पड़े, ना ही मुझे कोई एम्प्लॉय रखना पड़े। मैं डोर टू डोर सेलिंग करना चाहता हूँ विदाउट एनी एक्सपेंसेस, बिना किसी खर्च के। तो उसके लिए काफ़ी सारे लोग हैं जो जॉब की तलाश में हैं, जो बिजनेस की तलाश में हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है, वो कर नहीं सकते, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोग हम ढूंढते हैं, ऐसे लोग हमें काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं जो डोर टू डोर सेलिंग कर सकें, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। हम देखते हैं काफी डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए काफी बंदे अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पर उन बंदों से कांटेक्ट करके हम एक पार्टनरशिप करते हैं कि भाई मॉर्निंग में आप हमारी शॉप से ये सामान लेके जाएंगे और हमें एक डबल बेडशीट पे 50 रुपये चाहिए, उसके ऊपर आप इसे कितने में भी बेचें, ये 250 रुपये की है, 50 रुपये हमें चाहिए, तो टोटल हो गया 300 रुपये। आप फिर 400 में बेचें, 500 में बेचें, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे अगर मैंने 10 लड़के लड़कियां भी ढूंढ लिए जो डोर टू डोर इस तरीके की सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, जब भी मॉर्निंग में मेरी शॉप ओपन होती है, वो आते हैं, मेरी शॉप से माल लेते हैं, किसी ने 10 हज़ार का लिया, किसी ने 20 हज़ार का लिया, और वो लेके चले गए। दिन भर उन्होंने डोर टू डोर सेलिंग करी, उसके बाद शाम को वो वापस मेरी शॉप पे आए, जितना उनका माल बिक गया बिक गया, बाकी उन्होंने वो मेरी शॉप पे मुझे जमा करा दिया, वो सारा माल मेरी शॉप पे मुझे जमा करा दिया, और उसमें जो भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो हम इजीली कर सकते हैं। वो नेक्स्ट डे वो वापस से आए और मेरी शॉप से नया माल लिया और वापस से चले गए। तो इस तरीके से एक एडिशनल एफर्ट लगा के, एक अलग दिमाग लगा के कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुली किया जा सकता है, बस थोड़ी सी एक एडिशनल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। थैंक यू।